महाकुंभ जो प्रयाग में लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर यहाँ बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और जो वरिष्ठगण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित के लिए हम लोग को भेजा गया था। हम लोग सबसे मिल करके आमंत्रण दिए हैं, रोड शो भी किए हैं मीडिया के साथ और उसके बाद हम लोग अभी नेता प्रतिपक्ष और लालू जी से भी समय मांगे, वहाँ मिल करके हम लोग जाएंगे कि प्रयाग लोग आए महाकुंभ में, वहाँ स्नान करें, अपने जीवन को धन्य करें। वहाँ बताया जाता है कि कुंभ में जो लगता है तो सब वहाँ की नदियाँ, संगम की नदियाँ अमृत का जल हो जाता है। नीति जी ने समय हम लोग मिले और उन्होंने समय दिया है, जो है जरूर आएंगे। पूरे राज्यों में इस तरह से सभी मंत्री, सभी सभी राज्यों के लिए मैं दो दो मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित किया है, हम लोग को बिहार में माननीय सरकार, राकेश सरकार कैबिनेट मंत्री और हमको बिहार भेजा गया और बाकी लोगों को। और कितने दिनों तक चलेगा मंत्रियों का भ्रमण? बस सब मंत्री लगभग चले गए हैं, दो तीन दिन के अंदर सभी प्रांतों में हम लोगों का आमंत्रण दिया जाए। तो ये विशेष तैयारी है महाकुंभ को लेकर, 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ होगा, 12 में हुआ था योगी सरकार, सभी राज्यों के लोग आमंत्रण देने के लिए भेजा है। उसी कड़ी में ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पहले से योग आयोजन चल रहा है, उसमें सरकार ने तमाम नए घाटों का भी निर्माण कराया है और बड़े क्षेत्र में बड़ी हमारे जो संत समाज के लोग हैं उनको जितनी जगह की डिमांड होती थी उनको भी उतनी जगह आवंटित की गई है कि कहीं कोई परेशानी न हो उसके लिए। वहाँ इतने लोग जाएंगे श्रद्धालु, उनके दवा इलाज की भी व्यवस्था, CCTV कैमरा लगा करके उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था, तो सब तरफ सरकार ने ध्यान दिया, जिसमें तमाम सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ, 400 से अधिक स्कूलों के प्रबंधक, उनके छात्र बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन जिस धरती पर हम पृथ्वी पर नहीं होता है, जितना ये महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद होता है और ये अवसर पहली बार योगी सरकार को मिला है। 2019 में अर्धकुंभ के आयोजन किए गए थे, शायद हमारी समझ में कुछ लोग गए हों, उससे कहीं भव्य और दिव्य आयोजन इस महाकुंभ में। देखिए पूरे देश में सभी प्रांतों में हमारे मंत्री लोग गए हैं, बिहार में हम और दयाशंकर जी हमारे मंत्री यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री, गवर्नर, अपने सारे विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता को भी हम लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन अभी उनसे समय नहीं मिला, लेकिन लालू यादव जी के यहाँ से 5 बजे का समय मिला है, तो सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। आपके माध्यम से हम बिहार के चूँकि पड़ोसी राज्य है और सभी जनमानस के सभी लोगों को आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में इस महा आयोजन में जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, तो कभी भी आप उसमें। कल PM का क्या कहते हैं? PM कल प्रयागराज आ रहे हैं, तमाम सारी हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा इस कुंभ में के आयोजन में 1 साल पूर्व 1.5 साल पूर्व जो तैयारी में तमाम परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं उनका लोकार्पण भी करेंगे, क्योंकि आने वाला कुंभ है उसका अवलोकन भी करेंगे, इसीलिए करो प्रयागराज चले जाइए।